वंस अगेन वेलकम बैक स्टूडेंट्स टू एमएनएस। आज के इस लेक्चर में हम क्लास 12th के चैप्टर 4 डिटरमिनेंट्स या सारणी की जो आपकी सबसे लास्ट एक्सरसाइज है 4.6 वो हम डिस्कस करने वाले हैं। और यहां पर जो हमारा टॉपिक है वो है रैखिक समीकरण के निकायों का हल। रैखिक समीकरण के निकायों का हल वो हम सारणी की विधि से किस तरीके से हम उसे हल करते हैं वो मैं आज आपको बताऊंगा किस तरीके से हम उसको सॉल्व करेंगे। और इसी एक्सरसाइज से रिलेटेड पर ईयर हर साल बोर्ड में एक क्वेश्चन आपका कंपलसरी आता ही है, लॉन्ग क्वेश्चन। तो जितनी आप प्रैक्टिस करो उतना बढ़िया है। और ये एक क्वेश्चन इस तरीके के क्वेश्चन है, इसका आंसर भी आप चेक कर सकते हो, आप ये भी जज कर सकते हो कि हमारा आंसर राइट है और नो। ओके स्टूडेंट्स, तो मूव करते हैं। क्वेश्चन इज 2x + y + z = 1 एंड x - 2y - z = 3y, 3y - 5z = 9। ओके, तो सबसे पहले हम इसको आव्यूह के रूप में लिख लेते हैं। आव्यूह के रूप में लिखने पर आव्यूह के रूप में लिखने पर अब लिखा कैसे जाएगा, जो एक्स वाई जेड के गुणांक हैं उनको आप एक आव्यूह में लिखोगे। जैसे यहां पर मेरे पास एक्स वाई जेड के जो गुणांक हैं, यहां पर गुणांक कौन कौन से हैं देखो, यहां पर 2 है, यहां पर 1 है, यहां पर 1 है, क्योंकि इससे पहले कोई संख्या नहीं लिखी है तो आप 1 मान के चलोगे। तो यहां 2 आएगा, फिर 1 आएगा, फिर 1 आएगा। अगले वाले में 1 - 2 और -1, क्योंकि -1 यहां इसलिए लिखा है क्योंकि जेड से पहले कोई संख्या नहीं है। अब जो तीसरी समीकरण है उसमें एक्स है ही नहीं, तो एक्स से पहले आप 0 लिखोगे, प्लस में निशान लगा के 3y - 5z, तो 0 आएगा, 3 आएगा, -5 आएगा, 0, 3 - 5। अब दूसरे आव्यूह में लिखोगे ये समीकरण किस किस में है, एक्स में, वाई में और जेड में, और बराबर में आएगा जो कॉन्स्टेंट नंबर है वो 1, 3/2 और 9। ये आ गया आव्यूह के रूप में। लेट इट इज इन द फॉर्म ऑफ ax = b के रूप में आ गई है, जहां पे a का मान कितना है, जहां वेयर a बराबर 2, 1, 1, 1 - 2 - 1, 0, 3 और -5। तीनों आ गए, 2, 1, 1, 1 - 2 - 1, 0, 3 - 5। और ऐसे ही x बराबर आपके पास है x, y और z, और आपका b है 1 और 3/2 और 9। अब ax बराबर जो b के रूप में आ गया, इस यहां से आप x की वैल्यू निकालोगे तो x बराबर आएगा a इनवर्स b। इसे समीकरण 1 दे देते हैं और यहीं से हम x, y, z का मान यहां पर निकालेंगे। लेकिन यहां पर एक फैक्टर आ गया a इनवर्स, तो a इनवर्स कैसे निकलेगा, ये आपके पास आव्यूह है 3/3 ऑर्डर का, और आव्यूह में 3/3 ऑर्डर का जो इनवर्स है वो मैं आपको बता चुका हूँ। उसके लिए आप प्रीवियस पार्ट को आप देख सकते हैं, जिससे आपको डिटेल मिल जाएगी किस तरीके से उसको निकाला गया है। तो यहाँ पर पहले इनवर्स निकालने के लिए इसका सारणिक निकालना पड़ेगा, डिटरमिनेंट ऑफ ए, 2, 1, 1 सारे अवयवों को लिख लेते हैं, बस सारणिक का चिन्ह लग जाएगा, और किसी के भी पदों में आप विस्तार कर सकते हो। तो मैं यहाँ पर विस्तार कर रहा हूँ R1 के पदों में, तो 2 आ जाएगा, 2 में गुणा होगी -2 की -5 से, -2 × -5 फिर -3 × -1, ये आपका आ गया। अब दूसरा है आपका एलिमेंट -1 के लिए आपको क्या मिलेगा, 1 की × -5 के साथ, यहाँ पर मैं आप डायरेक्ट लिख रहा हूँ, मैं डिटेल नहीं बता रहा हूँ, 1 × -5 फिर 0 की -1 से, 0 × -1, और लास्ट आपका एलिमेंट है 1, और 1 के साथ आएगा 1 की × 3 के साथ, फिर 0 की × -2 के साथ। सॉल्व करते हैं कितना आएगा, 2 और अंदर मिलेगा 10 और प्लस का 3, -1 - 5 + 1 और 3। हल करने पर मिलेगा 10 और 3 13 × 26 और प्लस का 5 प्लस का 3, तो ये हो गया 6 और 5 11 और 3 14 के 4, हाँ से 34 आ गया। डिटरमिनेंट ए की ए का मान आपका 34 आ गया, जो कि 0 के बराबर नहीं है। तो यहाँ से एक चीज़ और निकल के आ जाती है कि इस समीकरण निकाय का जो संगत हल है या नहीं है, संगत हल है या नहीं है, अगर डिटरमिनेंट ए का मान 0 नहीं आता है तो उसके हल हम निकाल सकते हैं, और डिटरमिनेंट ए 0 आ जाता है तो
तो उस समीकरण निकाय का कोई हल नहीं निकलेगा, ये बात आप ध्यान रखेंगे। ओके, तो कंसिस्टेंसी यहाँ से चेक हो जाती है। डिटरमिनेंट ए आ गया, अब हमें फाइंड आउट करने होंगे इसके कोफैक्टर, सारे कोफैक्टर जैसे पहले निकाले थे सह गुणनखंड अभ्यू ए के। ओके, तो हम फाइंड करते हैं पहले सह गुणनखंड। इसके सह गुणनखंड कौन कौन से आएंगे, a11 a12 a13, इस तरीके से फाइंड आउट करेंगे जैसे पहले फाइंड आउट किए थे। a11 -1 की पावर 1+1 और इनटू में यहाँ पर एक आपका उपसारणिक आ जाएगा फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को छोड़ने पर। फर्स्ट रो a11 लिखा है, इसका मतलब फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को छोड़ने पर जो आपके पास बचा वो क्या बचा, -2 -1 3 और -5। ऐसे ही आप निकालोगे a12 का मतलब है पहली रो और दूसरे कॉलम को छोड़कर। पहली रो अब की बार कौन सा कॉलम छोड़ दोगे आप, दूसरा वाला, ये वाला कॉलम आपको छोड़ना होगा। तो आपके पास आएगा 1 -1 और 0 -5। ऐसे a13 वो आएगा -1 की पावर 1+3, पहली रो और तीसरा कॉलम, पहली रो और तीसरा कॉलम छूटेगा तो 1 -2 0 और 3। इसी तरीके से a21 में -1 की पावर 2+1, सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम, अब की आपका जो रिमूव होगा इसमें से वो क्या रिमूव होगा, सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम आपका रिमूव होगा। ओके, सेकेंड रो और फर्स्ट कॉलम, तो सेकेंड रो आपकी कौन सी है 1 -2 -1 और फर्स्ट कॉलम आप इसमें रिमूव करोगे तो आपको पास बचेगा 1 1 3 -5 1 1 3 -5 एंड सेकेंड a22 सेकेंड रो सेकेंड कॉलम 2+2। तो सेकेंड रो सेकेंड कॉलम को जब आप रिमूव करोगे तो 2 1 0 -5 2 1 0 -5 एंड a23 सेकेंड रो थर्ड कॉलम, सेकेंड रो थर्ड कॉलम को रिमूव करते हैं, सेकेंड रो थर्ड कॉलम को छोड़ देंगे तो 2 1 0 3 2 1 0 3। इसी तरीके से आप निकालोगे a31 -1 की पावर 3+1, थर्ड रो और फर्स्ट कॉलम को छोड़ेंगे तो थर्ड रो अब की बार आपको ए वाली रो नहीं लेनी है, कौन सी वाली छोड़नी है आपको, थर्ड रो, दैट मीन्स ये। फिर पहला कॉलम आपको छोड़ना है, पहला कॉलम छोड़ोगे तो 1 1 -2 -1 1 1 -2 -1। इसी तरीके से 3 2 -1 की पावर 3+2, थर्ड रो सेकेंड कॉलम, तो थर्ड रो आपके पास है सेकेंड कॉलम ये वाला छोड़ना है तो 2 1 और 1 -1 2 1 और 1 -1 3 3 आपका आएगा -1 की पावर 3+3, थर्ड रो थर्ड कॉलम, थर्ड रो थर्ड कॉलम को छोड़ोगे तो 2 1 और 1 -2। अब इन सभी को आपको सॉल्व करना है तो -1 की पावर यहाँ पर 2+ का निशान मिलेगा, इसको सॉल्व करेंगे तो कितना मिलेगा, 5 2 10 और 3 1 3 10 यहाँ से आएगा और 3 यहाँ से आएगा, -+ तो ये प्लस का तो निशान मैंने ऐसे लिख लिया और अंदर आएगा 5 की 2 से गुणा करोगे तो 10 और प्लस का 3, तो फाइनली आपके पास 13 मिल जाएगा। यहाँ से -1 की घात एक विषम संख्या है तो चिन्ह माइनस का रहेगा, इसको हल करेंगे 5 की 1 से गुणा करेंगे -5 -0 तो ये आपका आ गया 5। ऐसे यहाँ पर एक प्लस का निशान आएगा, सम संख्या है 3 -0 तो यहाँ पर 3 आएगा। ऐसे यहाँ पर -1 की पावर एक विषम संख्या है तो माइनस का निशान, -5 -3 -8 -8 और -+8 हो जाएगा। फिर यहाँ पर प्लस और 5 की 2 से करोगे तो -10 -0 तो -10 मिलेगा और यहाँ पर -3 × 6 -0 -6। अब 3 1 -1 की पावर 4 आ रहा है, एक प्लस का आएगा और अंदर जब सॉल्व करोगे तो -1 और +2 तो 2 में से 1 या 1 बचेगा तो प्लस का लिखेंगे। ऐसे ही यहाँ पर माइनस का निशान, क्योंकि 3 और 2 5 एक विषम संख्या है, इसको हल करेंगे -1 की 2 से गुणा करेंगे तो आपको -2 मिलेगा, -1 तो -3 और 1 माइनस पहले से है तो +3 आ जाएगा। a33 थर्ड रो थर्ड कॉलम, तो आपको मिलेगा -1 की पावर 3+3 2 1 1 -2, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास आएगा प्लस और अंदर आएगा 4 माइनस का और माइनस का 1, फाइनली आपको -5 मिलेगा। तो यहाँ आप पहले लिखेंगे माना
कोफैक्टर से बना हुआ, कोफैक्टर से बना आव्यूह आपका क्या है, सी है, ये मान लिया हमने। तो पहले सी बराबर लिख लेते हैं, सी बराबर ए वन वन ए वन टू दूसरा कोफैक्टर, तीसरा कोफैक्टर इसी तरीके से टू वन टू 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 थ्री एंड थ्री वन थ्री टू और थ्री थ्री, सबके मान इसमें हम रख देते हैं। तो ए वन वन आपने फाइंड आउट किया था कितना था, ए वन वन ए वन टू और वन थ्री तेरह पाँच और तीन, तो आपका आएगा थर्टीन, ये आपका फाइव था और ये आपका थ्री था। ए वन वन हो गया, ए वन टू हो गया, ए वन थ्री हो गया, थर्टीन फाइव और थ्री, ऐसे ही आपका दूसरा आएगा आठ माइनस दस और माइनस छः, आठ माइनस दस और माइनस छः। इसी तरीके से जो आपका थ्री वन था थ्री टू था वो आपका आ गया वन थ्री और माइनस फाइव, तो ये आपका वन और थ्री और ये आपका आ गया माइनस का फाइव। ओके स्टूडेंट्स, वन आ गया थ्री आ गया और माइनस फाइव। अब हम निकालेंगे एडजॉइंट ऑफ ए, एडजॉइंट ऑफ ए आपको जो बताया गया था सी का ट्रांसपोज मतलब परिवर्त कर देना, तो रो में जो अवयव है उन्हें कॉलम में लिख दो, तेरह पाँच और तीन और आठ माइनस दस माइनस छः और एक तीन और माइनस पाँच। ओके, अब समीकरण एक से, समीकरण एक हमारे पास क्या थी, एक्स बराबर ए इनवर्स बी और ए इनवर्स का सूत्र है वन अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ ए इनटू एडजॉइंट ऑफ ए मल्टीप्लाई में बी। डिटरमिनेंट की वैल्यू आप निकाल चुके थे 34 आई थी और एडजॉइंट ए हमने अभी अभी निकाला है, वो हम लिख लेते हैं 13 8 और 1 ऐसे ही 5 माइनस 10 और 3 और आपका है 3 माइनस 6 और माइनस 5 और बी, बी आपका आएगा 1 था 3 1 और 3 बटे 2 हमारा बी का मान आ गया 1 3 बटे 2 और 9। अब यहाँ पर ये वाला जो आपका आव्यूह है ये 3 बाई 3 का है 3 बाई 1 का है, तो हम इनकी गुणा कर सकते हैं। पहले गुणा कर लेते हैं 1 बटे 34, गुणा किस तरीके से होगी, पहले रो की पहले कॉलम से, तो 13 की गुणा 1 से 13 गुणा 1 प्लस 8 गुणा 3 बटे 2 और प्लस 1 गुणा 9, ऐसे ही दूसरा दूसरे रो की करोगे आप 5 की गुणा 1 के साथ माइनस 10 गुणा 3 बटे 2 प्लस 3 गुणा 9 एंड थर्ड रो, आप थर्ड रो की करोगे आप 3 की गुणा 1 के साथ माइनस 6 गुणा 3 बटे 2 माइनस 5 गुणा 9, ये आ गया एक्स बाई जेड इक्व टू 1 बटे 34, तो 13 और 2 से 8 कट जाएगा 4 बार, 4 3 12 प्लस 9, ऐसे यहां पर 2 से 10 कट जाएगा 5 बार, तो 5 माइनस 15 प्लस 27 नीचे 3 माइनस 9 माइनस 45, 2 से 6 कट गया। अब आपका आ गया जी 1 बटे 34, 13 12 और 9 3 2 5 14 1 4 आंसर लगा 1 2 1 3 34 आ जाएगा, यहाँ पर 5 में से 15 जाएगा माइनस का 10, तो आपका बचेगा 17, यहाँ पर 3 में जाएगा माइनस का 6 और 45 हो जाएगा 51। ओके, अब 34 से आपको भाग करना होगा, 34 से जब 34 को भाग करोगे तो आपको 1 मिलेगा, 17 से 34 को भाग करोगे तो 1 बटे 2 मिलेगा और इसको भाग करोगे तो माइनस का 3 बटे 2, 17 से 51 17 दूनी 34। अब इन दोनों की तुलना कर दोगे ऑन इक्वेटिंग, जब तुलना करोगे तो x का मान मिल जाएगा, y का मिल जाएगा और z का, x का मान 1 आ गया आपका, y का मान 1 बटे 2 आ गया और z का मान माइनस का 3 बटे 2 आ गया। ये हो गया समीकरण निकाय का हल। अब हम इसको चेक भी कर सकते हैं कि ये हमारा सही होगा या गलत होगा, उसके लिए आप ये मान जो दी हुई समीकरण है उसमें आप रख सकते हो, रखने पर अगर आपको राइट हैंड साइड मिल जाती है तो इसका मतलब हमारा आंसर सही है। ओके स्टूडेंट्स, तो आज के इस लेक्चर में हमने डिस्कस किया था रैखिक समीकरण के निकाय का हल और हर साल इसमें एक क्वेश्चन बोर्ड में आता ही है। ओके।